दोस्तों आपका स्वागत है सुराज जी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। कहानी की शुरुआत सन 1660 में हो जाती है। 13 जनवरी 1660 को छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ के किले से निकल जाते हैं और सिद्ध जौहर को चकमा देते हुए विशालगढ़ में पहुंच जाते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज को 300 बांदल और एक वीर बाजी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी आगे बढ़ती है। शाइस्ता खान पुणे में घुस जाता है और पुणे में डेरा डाल के बैठ जाता है। शाइस्ता खान की कहानी 3 साल पहले शुरू हो चुकी थी। जब आदिल शाह को यह खबर लग गई कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया तो बीजापुर सल्तनत ने औरंगजेब की तरफ मदद मांगी। औरंगजेब ने मदद के तौर पर अपने मामा अमीरुल उमरा शाइस्ता खान को दखन की तरफ भेज दिया। शाइस्ता खान दखन का सूबेदार बनते हुए दखन में घुस गया और उसे पुणे में डेरा डाल लिया। उसने लाल महल को कब्जे में कर लिया। उसने पुणे के किलों पर जीत हासिल करने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। उन्नाणा का किला वो न ले पाया और 20,000 मुगलों की फौज ने जब चाकन पर हमला किया तो वहाँ पर भी उन्हें मुंह की कानी पड़ी। शाइस्ता खान को यह लगा कि मराठों के किले तो वो नहीं जीत सकता लेकिन वहाँ के गांव तो वो जला सका है। पर इसी सोच से उसने पुणे के कई गांवों को जला दिया। नांदे, उस गांव, वड़गांव, घोटावड़े और बौड़ के गांवों को उसने जला कर राख कर दिया। वहाँ की जनता ने वहाँ के छोटे मोटे किलों में आश्रय लिया। शाइस्ता खान बहुत क्रूर था। जब 13 जनवरी 1663 को शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ के किले से छूट जाते हैं और विशालगढ़ में पहुंच जाते हैं तब कहानी आगे से शुरू होती है। शिवाजी महाराज नेताजीराव पालकर ये सजीव कंक जैसे सरदारों को बुलाकर सिंहगढ़ में सभा रखते हैं। शिवाजी महाराज अपने सरदारों को अपनी रणनीति बताते हैं। उनकी रणनीति के अनुसार कातरस घाट में अनेक बैलों के सिंगों पर मशाल बांध दिए जाएंगे और 25 कलाकार वहाँ पे रखे जाएंगे। जब शिवाजी महाराज और उनकी फौज शाइस्ता खान पर आक्रमण करने के पश्चात सिंहगढ़ की तरफ रवाना होगी तो इन 25 कलाकारों का काम यह होगा कि वे जोर जोर से वाद्य बजाए और शाइस्ता खान की जो फौज है जो शिवाजी महाराज के पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ेगी तो उनका ध्यान भटक जाएगा। उस फौज को लगेगा कि जहाँ से वाद्यों की आवाज आ रही है वहाँ पर ही शिवाजी है। बैलों के सींगों पर मशाल की रोशनी से जो चमक उठेगी छोटी सी, उस चमक को देखकर मुगलिया फौज को लगेगा कि शिवाजी ने कातरस के घाट में अपने तंबू गाड़े है और वहीं पर वो अपनी फतेह का जश्न मनाएगा। इसी सोच से मुगल कातरस के घाट की तरफ जाएगी और शिवाजी महाराज सिंहगढ़ की तरफ जाएंगे। इसी रणनीति से शिवाजी महाराज पुणे में घुस जाते हैं। 5 अप्रैल 1663 की वो आधी काली अंधेरी रात 400 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज शाइस्ता खान के 80,000 सैनिकों में घुस जाते हैं। शिवाजी महाराज के सरदार भेष बदल कर अलग अलग काम कर रहे होते हैं पुणे में। शिवाजी महाराज खुद भेष बदल कर लाल महल में घुस जाते हैं और लाल महल में घुसने के बाद वे शाइस्ता खान पर जानलेवा हमला करते हैं और आगे की कहानी तो हम सबको पता ही है। शाइस्ता खान खिड़की से कूदने की कोशिश करता है कि उसे अपनी 3 उंगलियां गंवानी पड़ती है। शर्म से वो पुणे से भाग जाता है और औरंगजेब को अपना मुंह दिखा देता है। औरंगजेब उसे गुस्से में बंगाल का सूबेदार घोषित कर देता है और उसे बंगाल भेज देता है। हनुमान जयंती के दिन शिवाजी महाराज का विजय होता है और इसी दिन स्वराज्य का दूसरा बड़ा शत्रु शाइस्ता खान पराजित होता है। हिंदवी स्वराज्य की सीरीज के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।